दोस्तों सीएसके वर्सेस पंजाब के 53वें मुकाबले की शुरुआत होती है और सबसे पहले टॉस जीतकर पंजाब की तरफ से बॉलिंग करने का फैसला लिया जाता है। तो सीएसके की तरफ से अजिंक्य रहाणे और ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी उतरती है। उतरते ही अजिंक्य रहाणे पहले ही बॉल से चौका लगाकर अपने मैच की शुरुआत करते तो है, लेकिन इसी के बाद में विकेट्स का सिलसिला शुरू हो जाता है, क्योंकि दूसरे ओवर की 5वीं ही गेंद पर अजिंक्य रहाणे अर्शदीप सिंह की बॉल पर कगिजो रबाड़ा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। इनके बैट का बिल्कुल निचला हिस्सा लगता है और अजिंक्य रहाणे 7 गेंदों में सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं। तीसरे नंबर पर डैरिल मिचेल आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जो कि ऋतुराज गायकवाड़ का पूरा साथ देते हुए काफी अच्छी तरीके से बैटिंग करते हैं और इनकी जोड़ी यहां पर 50 रनों की पार्टनरशिप को भी पूरा करती है, क्योंकि डैरिल मिचेल आते ही पहले 2 चौके जड़ देते हैं। इसी बीच ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से भी 2 चौके और 1 छक्का देखने को मिलता है। डैरिल मिचेल यहां पर आउट होने से पहले 1 छक्का जड़ भी देते हैं, लेकिन उसी के बाद में पावर प्ले का जब समय समाप्त होता है उस समय पर सीएसके का स्कोर 69 पर था, लेकिन तभी ऋतुराज गायकवाड़ यहां पर आउट हो जाते हैं और 8वें ओवर की पहली ही गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ भी राहुल चहर की गेंद पर पीछे खड़े विकेट कीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और 21 गेंदों में 32 रन बनाकर ऋतुराज गायकवाड़ का भी विकेट गिर जाता है। चौथे नंबर पर शिवम दुबे आते हैं बैटिंग करने के लिए, लेकिन 8वें ओवर की अगली ही गेंद पर शिवम दुबे भी पीछे खड़े विकेट कीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट होते हैं और एक ही ओवर के अंदर राहुल चहर को मिलती है 2 सफलताएं। शिवम दुबे पहले ही बॉल पर बिना खाता खोले पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं। अब मोइन अली आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए और आते ही वो पहला चौका जड़ देते हैं और अब तक स्कोर जो था सीएसके का वो 75 रनों पर पहुंच चुका था, लेकिन 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर डैरिल मिचेल आउट हो जाते हैं। डायरेक्ट यहां पर हर्षल पटेल की बॉल सीधा उनके पैड्स पर लगती है और तुरंत ही यहां पर अंपायर की तरफ से आउट का इशारा किया जाता है, लेकिन LBW देखने पर भी वो विकेट से सीधा अंपायर कॉल का इशारा करती है और डैरिल मिचेल 19 गेंदों में 30 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं। अब मोइन अली का साथ देने के लिए रविंद्र जाडेजा उतरे थे, क्योंकि सीएसके काफी बुरी कंडीशन में थी। इनके 4 विकेट गिर चुके थे, लेकिन यहां पर 100 रन भी नहीं बनाए गए थे और रविंद्र जाडेजा ने इस समय पर सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और आते ही छक्का जड़ दिया। फिर उसी के बाद में 2 चौके मिड विकेट की दिशा में देखने को मिले। रविंद्र जाडेजा और मोइन अली की जोड़ी ने इस स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया था, लेकिन फिर 13वें ओवर की 4थी गेंद पर मोइन अली भी सैम करन का शिकार हो जाते हैं और यहां पर बाउंड्री लगाने के चक्कर में जॉनी बेस्टो के हाथों मोइन अली अपना कैच गवा देते हैं और 20 गेंदों में 17 रन बनाकर मोइन अली का भी विकेट गिर जाता है। अब रविंद्र जाडेजा का साथ देने के लिए मिचेल सैंटेनर आते हैं। दूसरी तरफ रविंद्र जाडेजा अभी भी डटे हुए थे अकेले अपने दम पर, यहां पर रन्स बनाने के लिए वो सीएसके को बिल्कुल आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते थे। इसी बीच रविंद्र जाडेजा ने 20 रन भी जड़ दिए, लेकिन फिर 16वें ओवर की 6थी गेंद पर मिचेल सैंटेनर भी आउट हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर राहुल चहर ने अपना 3रा विकेट लिया और सैम करन के हाथों उन्हें आउट करवा दिया। मिचेल सैंटेनर 11 गेंदों में 11 रन बनाकर फिर से ये पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं। अब अगले नंबर पर बैटिंग करने के लिए शार्दुल ठाकुर आते हैं। शार्दुल ठाकुर आते ही गजब के तरीके से लॉन्ग ऑन की दिशा में 2 चौके लगा देते हैं और रविंद्र जाडेजा भी उनका साथ देते हुए ये स्कोर को 150 पर पहुंचा देते हैं, लेकिन 19वें ओवर की 4थी गेंद पर शार्दुल ठाकुर हर्षल पटेल का शिकार होते हैं और डायरेक्ट यॉर्कर के चलते शार्दुल ठाकुर सीधा बोल्ड हो जाते हैं और 11 गेंदों में 17 रन बनाकर इनका भी विकेट गिर जाता है। अगले नंबर पर अब MS धोनी को ही आना था, लेकिन आते ही पहली ही बॉल पर हर्षल पटेल की एक और यॉर्कर आती है और MS धोनी पहली ही बॉल पर आउट हो जाते हैं और एक गेंद पर बिना खाता खोले MS धोनी को भी पवेलियन की तरफ लौटना पड़ जाता है। अब MS धोनी के बाद में तुषार देशपांडे आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। दूसरी तरफ रविंद्र जाडेजा अभी भी टिके हुए थे, 160 रन सीएसके ने बना दिए थे, लेकिन इसी के बाद में एक चौका लगाने के बाद जैसे ही फिर से रविंद्र जाडेजा ने एक और यहां पर बाउंड्री लगाने की कोशिश करी तो लॉन्ग ऑफ की दिशा में सैम करन ने काफी आसानी से यहां पर बाउंड्री पर रविंद्र जाडेजा का कैच पकड़ा और 26 गेंदों में 43 रन बनाने के बाद में रविंद्र जाडेजा का भी विकेट गिर जाता है। आखिर में तो तुषार देशपांडे और रिचार्ड ग्लिसन ने 1-2 रन बनाकर सीएसके को 167 पर पहुंचा दिया था। अब पंजाब किंग्स को जीतने के लिए यहां पर 168 रन बनाने थे, जो कि काफी कम नजर आ रहे थे और इसी वजह से प्रभसिमरन सिंह और जॉनी बेस्टो इस मुकाबले की शुरुआत करते हैं, लेकिन आते ही यहां पर चौका लगा देते हैं जॉनी बेस्टो। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अगले ही ओवर में दूसरे ओवर की 3री गेंद पर जॉनी बेस्टो तुषार देशपांडे की गेंद पर डायरेक्ट बोल्ड हो जाते हैं
तुषार देशपांडे एक शानदार यॉर्कर डालते हैं जिसका जवाब जॉनी बेस्टो के पास नहीं था और 6 गेंदों में सिर्फ 7 रन बनाकर जॉनी बेस्टो का भी यहां पर विकेट गिर जाता है। ये तो सिर्फ पंजाब के विकेट्स गिरने की शुरुआत थी, क्योंकि इसी ओवर के अंदर तुषार देशपांडे एक और यॉर्कर डालते हैं और राइली रूसो 3 गेंदों में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे और पहली ही गेंद पर यहां पर तुषार देशपांडे के हाथों इन्हें आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटना पड़ जाता है। पंजाब किंग्स के यहां पर 2 विकेट गिर चुके थे लेकिन सिर्फ 9 ही रन बनाए गए थे और इसी वजह से टीम को बचाने के लिए शशांक सिंह उतरते हैं प्रभसिमरन सिंह का साथ देने के लिए। आते ही शशांक सिंह अपने बल्ले से बाउंड्रीज लगाना शुरू कर देते हैं। सीधा स्क्वायर लेग की दिशा में पहले 2 चौके लगाए जाते हैं, फिर एक पॉइंट के ऊपर से एक और चौका शशांक सिंह ने जड़ दिया था। प्रभसिमरन सिंह भी उनका पूरा साथ देते हुए यहां पर रन्स बना ही रहे थे लेकिन तभी शशांक सिंह वो मिचेल सैंटनर की गेंद पर सिमरनजीत सिंह के हाथों बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं और 20 गेंदों में 27 रन बनाकर शशांक सिंह का भी विकेट गिर जाता है और इसी के बाद अगले ही ओवर की शुरुआत करने के लिए कप्तान सैम करन खुद आते हैं लेकिन अगले ओवर के अंदर 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह भी रविंद्र जाडेजा की बॉल पर कैच आउट हो जाते हैं और 30 रन बनाकर इनका भी विकेट गिर जाता है। अब जितेश शर्मा बैटिंग करने के लिए आते तो है लेकिन पहली ही बॉल पर जितेश शर्मा सीधा सिमरनजीत सिंह की गेंद पर यहां पर MS धोनी के हाथों कैच आउट होते हैं और पहली ही बॉल पर बिना खाता खोले जितेश शर्मा को भी फिर से वो अपने टीम के पास लौटना पड़ जाता है। यहां पर पंजाब किंग्स बहुत ही बड़े खतरे में थी क्योंकि लगातार विकेट गिर रही थी और 5 विकेट गिरने के बाद में सैम करन का साथ देने के लिए यहां पर आशुतोष शर्मा आते हैं और सैम करन अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रहे थे रन्स बनाने की लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि 13वें ओवर की पहली गेंद पर सैम करन भी मिचेल सैंटनर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और सिर्फ 7 रनों की अपनी पारी को यहां पर समाप्त करने के बाद वो भी लौट जाते हैं। आशुतोष शर्मा अब हरप्रीत ब्रार के साथ कुछ देर तक वो रन्स बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन अगले ओवर में फिर से आशुतोष शर्मा रविंद्र जाडेजा का शिकार बनते हैं और 3रा विकेट मिलने पर रविंद्र जाडेजा यहां पर आशुतोष शर्मा को सिर्फ 3 रन बनाकर आउट करवा देते हैं। आखिर में हरप्रीत ब्रार और हर्षल पटेल की जोड़ी पंजाब किंग्स को जितवाने के लिए उतरती है क्योंकि यहां पर स्कोर सिर्फ 80 रनों पर पहुंच गया था और पंजाब किंग्स को जीतने के लिए अभी भी काफी ज्यादा रन्स चाहिए थे क्योंकि CSK की तरफ से 168 का टारगेट दिया गया था। हर्षल पटेल आते ही 2 चौके जड़ते तो है लेकिन इसी के बाद में यहां पर इनका भी विकेट गिर जाता है। 15वें ओवर की 4थी गेंद पर सिमरजीत सिंह ने एक और विकेट लिया यहां पर और कैच करवा दिया हर्षल पटेल को जो कि सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और पंजाब 90 रनों पर 8 विकेट के नुकसान पर थी। अगली गेंद पर राहुल चहर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और ये भी आकर शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए एक छक्का जड़ते हैं और उसी के बाद 2 चौके भी लगा देते हैं। 10 गेंदों में 16 रन बनाकर ऐसा लग रहा था कि पंजाब को राहुल चहर जितवा सकते हैं लेकिन तभी एंट्री होती है लॉर्ड शार्दुल ठाकुर की। शार्दुल ठाकुर आते ही सीधा इन्हें पहली ही बॉल पर अबोल्ड कर देते हैं और सिर्फ 16 रन बनाने के बाद राहुल चहर की भी यहां पर पारी की समाप्ति हो जाती है। आखिर में तो इस समय पर कगिजो रबाडा और हरप्रीत ब्रार डटे हुए थे लेकिन आखिरी गेंदों में वो यहां पर 51 रनों की जरूरत होती है जो कि पंजाब किंग्स बिल्कुल भी नहीं बना सकती थी और इसी वजह से 20 ओवर की जब समाप्ति होती है तो पंजाब किंग्स का स्कोर होता है 139 पर, वो भी 9 विकेट के नुकसान पर और इसी के चलते चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मुकाबले को 28 रनों से जीतकर अपने नाम किया और चेन्नई सुपर किंग्स की एक और शानदार जीत यहां पर पंजाब के खिलाफ देखने को मिली। 168 का टारगेट पंजाब किंग्स को यहां पर दिया गया था लेकिन ये टीम सिर्फ 139 पर सिमट कर रह गई और ये एक और शानदार जीत यहां पर CSK के नाम हुई। तो दोस्तों ये था CSK वर्सेस पंजाब किंग्स का मैच का हाइलाइट 2024 का। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर